मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की फ्रेश होते दिखती है। फिर वो अपने साथ कुछ सामान लेके घर से निकलती है, फिर एक आदमी से जाके मिलती है और वो उसके साथ चली जाती है। तभी हमें 3 दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ वो अपने क्लास में बैठी होती है। फिर वो अपने पेट पे हाथ रखती है और वहाँ से चलने लगती है, पर चक्कर आने की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाती है। दरअसल इस लड़की का नाम लॉरा है, जो अकेली रहती है और एक कॉल सेंटर पे पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा करती है। फिर वो अपनी टीचर के सामने बैठी दिखती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसने कुछ दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया होता, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो बताती है कि वो स्कूल का खाना अफोर्ड नहीं कर सकती, पर उसकी टीचर उससे कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स पे केस फाइल कर सकती हो, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। आगे जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पे होती है, तब हमें पता चलता है कि वो दोनों साथ में रहते हैं, जिससे उसकी रेंट देने में हेल्प हो जाए। फिर अचानक बिजली चली जाती है क्योंकि उसने बिजली का बिल नहीं भरा होता, तो उसका बॉयफ्रेंड उससे नाराज़ हो जाता है। फिर वो अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन जॉब ढूंढती है, जहाँ उसे जोई नाम की एक 57 वर्षीय आदमी की ऐड दिखती है, जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 100 यूरोस पर घंटे के हिसाब से दे रहा था। वो काफ़ी सोचती है, पर आखिरकार उस ऐड पे जॉब की रिक्वेस्ट करती है। फिर उन दोनों में मैसेज पे बात होती है, पर लॉरा को डर लग रहा होता है, जिससे जोई अपनी फ़ोटो भेजता है और अपने बारे में बताते हुए उसे भरोसा दिलाता है। लॉरा सोचती है, मैं बस ये एक बार ही करूँगी जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, और वो उसकी बात मान लेती है। फिर हमें मूवी के स्टार्टिंग का सीन दिखता है, जहाँ वो फ्रेश होकर घर से निकलती है और एक होटल पे जाती है, जहाँ वो जोई से मिलती है। जोई उसे होटल रूम में ले जाता है और उसे एक चिट्ठी दे देता है, जिसमें उसे आज क्या क्या करना होता है उसके बारे में लिखा होता है। वो कपड़े उतारती है, फिर फ्रेश होने जाती है, फिर जोई के साथ जाकर लेट जाती है। जोई उसे किस करने जाता है तो वो बैठ जाती है। फिर जोई उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसे पैसों की क्यों ज़रूरत है। फिर जोई अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मेरी एक बेटी है जो बस तुमसे कुछ साल बड़ी होगी। पर लॉरा उसे रोकते हुए कहती है, अपने बारे में मत बताओ। फिर जोई उसे कपड़े पहनने को कहता है और उसे पैसे देता है, जिसे देख वो खुश हो जाती है। फिर वो वहाँ से निकलती है और आगे जाके पैसे गिनती है, जहाँ वो देखती है जोई ने उसे 100 यूरो की बजाय 250 यूरो दिए हैं, जिससे वो और खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और पेट भर के खाना खाती है और बिल दे के निकल जाती है। जब वो कॉल सेंटर में होती है तो वो चुपके से उस वेबसाइट को ओपन करती है, जहाँ वो एक और आदमी से बात करती है, जो उसे 70 यूरो पर घंटे के हिसाब से देने को राजी हो जाता है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है। जब वो घर पे होती है तो देखती है उसका बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर कर रहा होता है। फिर वो उस आदमी से जाके एक रेस्टोरेंट में मिलती है, जहाँ वो पूछती है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। तो वो बताता है, मेरी 1 साल पहले शादी हुई है, पर हमारे बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ। और वो चाहता है कि लॉरा उसकी हेल्प करे, जिससे वो अपनी बीवी के साथ इंटीमेट हो सके, क्योंकि उसने आज तक ये कभी नहीं किया होता। फिर वो कार लेके एक पार्किंग प्लेस में जाता है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर वो उसे 140 यूरो दे के निकल जाता है। फिर वो घर पे जाती है, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड को गले लगाती है, पर वो जाके सो जाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम रूम का आधा रेंट दे के मेरा इस्तेमाल कर रहे हो और हम अब अलग हो रहे हैं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो अपनी मॉम के घर जाती है, और जब रात को बार में जाती है तो उसे वहाँ एक लड़का मिलता है, जो उसके साथ फ्लर्ट करता है, और फिर वो उसे घर तक छोड़ने आता है, जहाँ वो उसे किस करता है। अगले दिन वो एक आदमी के पास जाती है, जहाँ वो उसके हॉट फोटोज खींचता है, फिर उसे पैसे देता है और कहता है, अगर और पैसे चाहिए तो मेरे पास एक डील है, मेरे क्लाइंट को एक लड़की की ज़रूरत है, पर वो मना कर देती है। आगे वो अपना काम करती रहती है और उसकी लाइफ में पैसे आते जाते रहते हैं। जब भी उसे पैसों की ज़रूरत होती है तो वो सोचती है, लास्ट टाइम ये काम कर लेती हूँ, पर उसे पता नहीं होता कि वो इस चक्रव्यूह में फंस जाती है। फिर एक दिन उसे वो लड़का बार में दिखता है, वो उसे बुलाता है पर वो भाग जाती है। आगे हम देखते हैं लॉरा जब कॉल सेंटर पे काम कर रही होती है तो उसे एक लैपटॉप की ऐड दिखती है और उसे वो लैपटॉप बहुत पसंद आ जाता है। पर जब वो घर जाके देखती है तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते, जिससे वो जोई को मैसेज करती है और लिखती है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे ये वाला लैपटॉप चाहिए। फिर वो जोई के पास जाती है, फिर जोई उसे रूम पर भेजता है। वो जब रूम पर जाती है तो देखती है वहाँ लैपटॉप होता है, जिसे देख वो खुश हो जाती है। पर वहाँ एक लेटर होता है, जिसे पढ़ के वो कहती है, लास्ट टाइम लॉरा। फिर जोई उस रूम में आता है और उसके हाथ पांव पे पट्टी बांध के उसे टॉर्चर करता है। वो कैसे भी करके खुद को छुड़ाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे वो लैपटॉप याद आता है, वो वापस आके लैपटॉप लेके जाती है। तब जोई उसे रोकता है और उसे कुछ पैसे दे देता है। आगे हम देखते हैं वो अपने घर पे रो रही होती है। फिर उस बार वाले लड़के बेंजामिन को कॉल करती है और उसे अपने घर बुलाती है
और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर बेंजामिन उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, तब लॉरा उसे रोक लेती है, पर बेंजामिन के पूछने पे वो अपने बारे में सारी बातें बताती है और जोई ने आज उसके साथ क्या किया वो भी बताती है। आगे हम देखते हैं वो अपना काम चालू रखती है, अब वो पूरी तरह प्रोस्टिट्यूट बन गई है। पर एक दिन एक क्लाइंट उसे 200 यूरो का वादा करके 20 यूरो देके चला जाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और वो बेंजामिन को कॉल करके बुलाती है। बेंजामिन आता है और उसे हौसला देता है और कहता है तुम अब से पैसे पहले ही ले लेना। आगे हम देखते हैं लॉरा और बेंजामिन साथ में रहते हैं और लॉरा बेंजामिन के कहने पर एडवांस में पैसे लेना शुरू करती है। एक दिन वो दोनों साथ में डिनर पे जाते हैं तो लॉरा को उसके क्लाइंट का कॉल आता है, पर उसे मना कर देती है, पर वो बार बार कॉल करता है जिससे बेंजामिन गुस्सा हो जाता है और फोन पे चिल्लाने लगता है। दरअसल बेंजामिन को अब लॉरा से प्यार हो जाता है, पर उसके खुद के पास जॉब नहीं होती जिससे वो लॉरा को ये काम करने देता है। फिर एक दिन वो जोई से मिलने जाती है और जब वो वहां से निकलती है तो वहां बेंजामिन आ जाता है, जिससे लॉरा को लगता है बेंजामिन उसका पीछा कर रहा है और वो गुस्सा होकर बेंजामिन को वहां से जाने को कहती है। फिर वो बेंजामिन के पास जाती है और उसे मनाने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर बेंजामिन उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम ये सब काम बंद कर दो। पर लॉरा कहती है अगर मैं ये सब काम बंद कर दूंगी तो मैं अपने कॉलेज की फीस, खाना, रेंट कैसे भरूंगी। फिर बेंजामिन कहता है ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है, पर सब तुम्हारी तरह ये काम नहीं करते, और उसे ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। आगे वो उस फोटोग्राफर के पास जाती है और उसे अपने फोटोज डिलीट करने को कहती है, पर वो मना कर देता है और उसे छूने लगता है, जिससे वो गुस्सा होकर उसे पीटने लगती है। जब रात को वो अपने घर पे होती है तो उसे जोई का कॉल आता है और वो मना करके कहती है मैं पेरिस जा रही हूँ। तब जोई उसे कहता है मेरे पास एक ऑफर है 1000 यूरोस का, तो मेरे पैसे पेरिस में सेटल होने में काम आएंगे। आगे वो जोई के पास दिखती है, जोई उसे अपने साथ एक क्लब में ले जाता है जहाँ उसके साथ काफी लोग इंटीमेट होते हैं, और जब वो वहां से बाहर आती है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। फिर जोई उसे होटल रूम पे ले जाता है और उसे फ्रेश होने भेजता है, और वो वहाँ दर्द के मारे बहुत रोती है, और जब वो बाहर आती है तो देखती है जोई जा चुका होता है और वो 100 यूरो छोड़ के गया होता है, और वहाँ एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 100 यूरो ही दिए हैं, तुम्हारे जाने के दिन तुम मुझे मिलना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। आगे हम देखते हैं वो जोई को काफी कॉल करती है पर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, पर उसके जाने के दिन जोई का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मुझे हार्ट अटैक आया था और मेरी बीवी ने मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक करवा दिया है। पर लॉरा उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, पर जोई कहता है मैं ठीक होते ही तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हारे पैसे दे दूंगा। फिर वो पेरिस चली जाती है और पार्ट टाइम जॉब ढूंढती है, पर उसे वहाँ कोई जॉब नहीं मिलती। पर एक दिन उसे एक कस्टमर का कॉल आता है, वो उसे 3000 यूरोज ऑफर करता है पर वो मना कर देती है क्योंकि अब वो इन सब चीजों में वापस नहीं जाना चाहती। आगे हम देखते हैं वो कॉलेज पास हो गई है और उसे वेटर की जॉब भी मिल चुकी है, और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।